लाइगन गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, इनको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगन गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और ये हमारे बेसिकली, क्योंकि ये आयन चैनल इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है, तो ये आयन चैनल मींस कि ये आयंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनकी फ्लो को मेंटेन करते हैं, उनके फ्लो को रेगुलेट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि हमारी लिपिड बाय लेयर इन नेचर है, तो आयंस में भी उसमें से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी लिपिड इन नेचर है और लिपिड हमारा इंसुलेटर होता है, तो आयंस उसमें से क्रॉस नहीं कर सकते। तो उन आयंस के क्रॉस करने के लिए हमारे क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली। और ये रिसेप्टर्स हमारे क्या करते हैं, फ्लो को मेंटेन करते हैं हमारे जो आयंस है उनके, और इनका जो एक्शन होता है वो रैपिड होता है और फ्यू मिली सेकेंड में जो है हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इसका रोल देखा जाए तो वो न्यूरो ट्रांसमिशन में है, कार्डिक कंडक्शन में है और मसल कॉन्ट्रेक्शन में हमारा जो रोल है वो इसके अंदर इसका प्रोमिनेंट है। इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वो कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। अगर हम इसको यहाँ पे इसकी पिक्चर के तौर पे देखें तो इसमें क्या है कि हमारी ये हमारी लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा आयन चैनल है या फिर आयन चैनल रिसेप्टर्स है। ये अभी फिलहाल क्लोज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लाइगेंड ने जो है वो बाइंड करना है, लेकिन लाइगेंड अभी कोई बाइंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा रिसेप्टर्स जो है वो क्लोज है। अब क्या होगा कि जब हमारा कोई भी लाइगेंड या फिर इंटरनल जो इंटरनल लाइगेंड है या फिर ड्रग या फिर कोई भी मैसेंजर आकर जब इसके साथ बाइंड करता है तो ये हमारा आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयंस का फ्लो होता है। ये आयन कोई भी हो सकता है, सोडियम पोटासियम क्लोराइड एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे सेल की वो चेंज होती है, ये ऑल्टर होती है एक्टिव। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी एग्जाम्पल में हम लोग क्या, स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स बाय एसिटाइलकोलीन। निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जब एसिटाइलकोलीन के साथ बाइंड करती है तो क्या करते हैं कि वो एक्टिवेट होते हैं, रिजल्ट्स इन, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सोडियम का जो होता है वो इन्फ्लक्स होता है और हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वहां पर जनरेट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि एक्टिवेशन होती है हमारी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। लाइक निकोटीन हमारी एक, इसको अगर हम यहाँ से देखा जाए तो निकोटीन जब यहाँ पर बाइंड करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, और सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होगा कि हमारी निकोटीन, ये निकोटीनिक रिसेप्टर है, और यहाँ पर जब एसिटाइलकोलीन बाइंड करेगी तो हमारी क्या है कि सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, और सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होगा कि हमारी मसल की कॉन्ट्रेक्शन होगी। इसकी एक और एग्जांपल है वो हमारी कौन सी है, बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन हमारे क्या करते हैं कि गैमा अमाइनोबुटायरिक एसिड रिसेप्टर जो कि गाबा रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करते हैं, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्लोराइड चैनल का इन्फ्लक्स, ठीक है, क्लोराइड चैनल को का इन्फ्लक्स जो है उसको इंक्रीज करवाते हैं और हमारे क्या करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन करवाते हैं मेम्ब्रेन की। क्लोराइड हमारा बेसिकली क्योंकि नेगेटिव आयन इन नेचर होता है और ये अगर हमारी मेम्ब्रेन के मतलब आउटर साइड पर होगा तो वो हमारी क्या है कि डीपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सेल है वो एक्टिव होगा, एक्टिव पोटेंशियल वहां पर होगा, लेकिन एक्शन पोटेंशियल वहां पर होगा, लेकिन जब हमारा क्लोराइड इन्फ्लक्स आ जाएगा, क्लोराइड हमारा इंटरनली आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो नेगेटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन इंटरनली ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा या तो पोलराइजेशन या फिर हाइपर पोलराइजेशन का जो है वो फिनोमेना वहां पर